इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू रिसीव रेगुलर अपडेट्स व्हेनेवर आई शेयर अ न्यू वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, द लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। सी निफ्टी, आप अगर आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 16,700 निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट कर लिया है और उस लेवल पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ही मार्केट अगर इस 16,550 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 16,700 का रेजिस्टेंस लेवल पे आने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और एट द सेम टाइम अब मार्केट उसी लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 16,700 का। अगर यहाँ पे मार्केट 16,750 के ऊपर फिर से क्लोज होता है तब आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट में कम से कम 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके इसके ऊपर ब्रेक देगा, इस रेजिस्टेंस के अराउंड आके फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। आगे निफ्टी से ये एक्सपेक्टेशन है क्योंकि अगर हम चलते हैं एक हायर टाइम फ्रेम पे, अगर हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी एक बहुत ही बड़े से बेयर फ्लैग में मूव कर रहा है। बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं, आप अगर नोटिस करेंगे बिग स्विंग अप बिग स्विंग डाउन बिग स्विंग अप बिग स्विंग डाउन। तो एक्सपेक्टेशन अब यही है कि मार्केट में एक बिग स्विंग अप आएगा, फिर से एक बिग स्विंग डाउन आएगा। और वीकली में ये ट्रेंड लाइन के अराउंड एक्सपेक्टेशन यही है कि इसके मार्केट अराउंड यहाँ आएगा और फिर से हमें एक यहाँ से मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर नोटिस करते हैं कि पिछले 6 से 8 महीनों में मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट में बहुत ऊपर से तेज़ी से स्विंग्स आ रहे हैं, उसी स्पीड से मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक मार्केट बहुत बड़ी रेंज में मूव कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अब बहुत अच्छी खासे अप ट्रेंड में आ चुका है और थोड़े बहुत अप ट्रेंड के बाद फिर से हमें एक डाउन मूव देखने को मिलेगा निफ्टी में। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सी लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 36,200 के ऊपर क्लोज करती है तब हमें 36,700 का एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा और मार्केट में लास्ट वीक 36,700 के मूव को बहुत ही आसानी से कवर कर लिया और मार्केट को आज आप देखेंगे 37,000 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली। मार्केट ने अच्छी खासी ओपन तो की बट एट द सेम टाइम 37,000 पे मार्केट को अच्छे खासे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। गाइस आप बैंक निफ्टी में भी अगर नोटिस करेंगे कि बैंक निफ्टी में भी देखिए बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं, ये मार्केट में अप स्विंग्स डाउन स्विंग्स अप स्विंग डाउन स्विंग। तो अब मार्केट ने अच्छा खासा एक मूव दे दिया है और 37,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आप मान सकते हैं रेजिस्टेंस होना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यही ट्रेडिंग प्लान है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद 37,000 के ऊपर अगर क्लोज करता है तब आप 36,300 36,400 के पुट ऑप्शंस को हम लोग सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का आप मान सकते हैं 35,900 का सपोर्ट लेवल होगा और रेजिस्टेंस लेवल 37,000 का बैंक निफ्टी में होगा। तो जब तक मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक हमारी कोई ट्रेडिंग प्लान ऐसा एक्यूरेट रहेगा नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तब हम लोग पुट्स बेच सकते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ ऊपर से अपने कॉल्स बेच सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन रिसीव रेगुलर अपडेट्स व्हेनेवर आई शेयर न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।